रमीज राजा, उन्होंने बोला था कि नहीं जी, अगर इंडिया नहीं आता एशिया कप के लिए तो पाकिस्तान भी नहीं जाएगा वन इंटरनेशनल वर्ल्ड कप के लिए। इन हालात को आप कैसे देखते हैं और क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक पाकिस्तान की सिक्योरिटी के हवाले से, इंटरनेशनल टीमें भी होके गई हैं, क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट हुई है वहाँ पे, अभी भी प्लेयर्स ओवरसीज क्रिकेटर्स आए हैं, उन्होंने बहुत इंजॉय की है। देखिए, सिक्योरिटी तो थ्रेट्स हमें इंडिया से भी आते थे, लेकिन जब बोर्ड्स और गवर्नमेंट की डिसीजंस हो गए देन इसका मतलब है कि टूर ऑन है। फिर हमें ये नहीं देखना चाहिए, इसका मतलब यह है कि जो हमें थ्रेट्स मिल रही हैं हम उनको मौका देते हैं, वो चाहते यही हैं कि इनकी आपस में क्रिकेट ना हो, तो जो कि गलत है। मैं ये समझता हूँ, जो इस चीज़ को मैंने बहुत दफ़ा कहा है कि मैंने क्रिकेट अपनी दो मुल्कों में सबसे ज़्यादा इंजॉय किया, एक ऑस्ट्रेलिया और एक इंडिया में। इंडिया में जो मुझे प्यार मिला है वो मैंने कभी, मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन इंडिया में हमारा दिल चाहता है खेलने को, वहाँ के लोग हमें खेलते हुए देखना चाहते हैं, यहाँ पर भी क्राउड में इंडियन प्लेयर्स बहुत हैं, लोग आते हैं, ऑटोग्राफ्स लेते हैं, मिलते हैं। ये एक क्रिकेट एक सबसे बेस्ट डिप्लोमेसी है, मैं कहता हूँ सबसे ज़बरदस्त, क्रिकेट नहीं एनी स्पोर्ट्स बेस्ट डिप्लोमेसी है। तो मैं चाहता हूँ, मेरी हमेशा से दिल से ख्वाहिश है कि पाकिस्तान और इंडिया, बिकॉज वी आर नेबर्स, तो नेबर्स के आपस में एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए, रिलेशनशिप होने चाहिए, स्ट्रेंथ बढ़ती है इससे। बढ़ाओ नफरत ना बढ़ाओ, डिप्लोमेसी की भी आपने बात करी, बट ये जो बयान आते हैं आपके मुल्क से हो या फिर जैसे कि अगर एशिया कप हमारे यहाँ नहीं होता है तो वर्ल्ड कप के लिए हम नहीं जाएंगे, तो फिर चीजें इम्प्रूव कैसे होंगी? तो देखे, एशिया कप का कौन मना कर रहा है? इंडिया मना कर रहा है ना एशिया कप का। हम तो वेलकम, आप इंडिया की टीम को भेजे तो सही, उनको सर आंखों पे रखेंगे हम लोग। और इससे पहले पास्ट में हुआ है, हमें अगर इंडिया की तरफ से, वो नाम नहीं लूंगा उनसे आपका बॉम्बे के, उन्होंने पाकिस्तान टीम को थ्रेट दी कि ये नहीं आएंगे, लेकिन हमने हर चीज को साइड पे करके, उस वक्त जो भी गवर्नमेंट के थे उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और पाकिस्तान टीम आई, तो हमें थ्रेट्स की वजह से अपनी रिलेशनशिप नहीं खराब कर, थ्रेट्स तो आते रहेंगे, उनको हम मौका दे। जी जी प्लीज, क्योंकि जो आप एशिया कप तो इंडिया में भी अरसे से नहीं हुआ है, काफी तो आप लोग कराओ ना एशिया कप इंडिया में, कराओ, हम आ जाएंगे, मैं भी आऊंगा, मैं खेल नहीं रहा लेकिन वैसे ही देखने आ जाऊंगा। आपके वीडियोस भी वायरल हुए हैं जहां एक दूसरे के ऊपर आप गर्मा गर्मी भी हुई है, एज ए कम्पिटिटर गौतम गंभीर की क्या यादें रही हैं और यहाँ पे भी LLC में जो आपने देखा? देखिए, सबसे पहले ऑनेस्टली स्पीकिंग, जो ये लीग हुई है, मैं उस पूरी मैनेजमेंट को बड़ा क्रेडिट देता हूँ इस बात का कि बड़ी वेल ऑर्गेनाइज्ड, एक अच्छी तगड़ी क्रिकेट, कोई जैसे बेनिफिट्स या चैरिटी मैचेस होते हैं उस तरह का, किसी भी टीम की, हम तीनों टीमों में से किसी की भी बॉडी लैंग्वेज जो थी वो इस तरह नहीं थी। इवन के गौतम अगर खेल रहा था वो पूरे एग्रेशन के साथ, और वो चाह रहा था कि उसकी टीम जीते, तो एज अ कैप्टन मेरी भी यही ख्वाहिश है कि हम ये टूर्नामेंट जीते। इसी तरह वॉटसन की भी यही ख्वाहिश है कि वो ये टूर्नामेंट जीते, क्योंकि बड़ी लीग है, सारे सीरियस क्रिकेट खेल रहे हैं, क्राउड अच्छा आ रहा है, एंटरटेन हो रहा है क्राउड, और इस तरह की क्रिकेट उसी वक्त कामयाब हो सकती है जब ये सीरियस खेली जा रही हो। अगर ये सीरियस ना होती, ना क्राउड आता, ना कुछ होता, तो मेरे ख्याल में पहले मैं मुबारकबाद देता हूँ पूरी मैनेजमेंट को, वेल ऑर्गेनाइज, बड़ा मज़ा आ रहा है खेलने में। और जो गौतम की आपने बात की है, देखें मैं समझता हूँ कि आप पास्ट में रहते नहीं हो, पास्ट से सीखते हो आप, और क्रिकेट में हो जाती हैं ये चीज़ें, ये सिर्फ मेरी और गौतम की बीच में नहीं हुई, बहुत सारे क्रिकेटर्स की पास्ट में ये सारी चीज़ें हुई हैं। खूबसूरती कह सकते हैं क्रिकेट की, एक खूबसूरती होती है, और आप लोगों को भी कॉन्टेंट मिली